उत्तर प्रदेश में देवरिया के कोतवाली क्षेत्र में अलग अलग जगह पर हुई चोरी की 5 घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस इस खुलासे को बहुत बड़ा खुलासा मान रही है। इस खुलासे के बाद पुलिस को भरोसा है कि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अब विराम लगेगा। दरअसल कोतवाली क्षेत्र में लगातार हुई चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नींदें उड़ा दी थी। इन चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। यही वजह थी कि पुलिस ने अपने तंत्र को मजबूती से विकसित किया और चोरों तक पहुंच गई। पुलिस ने जब 4 आरोपियों को दबोचा और उनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। आरोपियों के कब्जे से पुलिस टीम को चोरी के कुल 1,79,000 रुपए, 26 मोबाइल फोन और तकरीबन 3 लाख रुपए कीमत के आभूषण के साथ 2 तमंचे, कारतूस और 1 चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारी के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की भी बात कही गई है। कोतवाली पुलिस ने सीओ सिटी और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक बड़े चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता प्राप्त की है और इन चोरों से 5 चोरी से संबंधित भारी मात्रा में सामान और रुपए बरामद हुए हैं। 4 चोर पकड़े गए हैं और इनके पास से 1,79,000 रुपए कैश, लगभग 1.5 लाख की ज्वेलरी, 2 देसी तमंचे, 1 चाकू और चोरी की 26 मोबाइलें बरामद हुई हैं। लाल बाबू, जनमत न्यूज़, देवरिया।